नमस्कार, मैं डॉक्टर रेयन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में एक ड्राई फ्रूट लेकर आया हूँ। इसके बारे में आप लोग विस्तार में बताऊँगा, जिसका नाम है खजूर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यह खजूर जो है मरुस्थल में, यानी कि जहाँ पानी कम होता है वहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है। जहाँ रेतीली ज़मीन होती है, बालू वाली ज़मीन होती है, वहाँ पे होता है। जहाँ पानी ना के बराबर होता है वहाँ पे यह खजूर पाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, खजूर का वैज्ञानिक नाम है खोनेक्स डैक्टिलीफेरा। और दोस्तों, अंग्रेजी में इसको डेट्स भी कहते हैं, डेट्स, और हिंदी में इसको खजूर कहते हैं। यह ज़्यादातर सऊदी अरब में पाया जाता है, और जहाँ मरुस्थल वाला स्थान है वहाँ भी, मतलब जहाँ शुष्क मौसम रहता है वहाँ पर यह ज़्यादातर पाया जाता है। इसका पेड़ जो है सीधा होता है, बिल्कुल ताड़ की तरह, 30 से 40 फुट लंबा भी होता है। यह छोटा छोटा होता है। मैं इसको आप लोग को देखिए, मैंने फिगर में लगा दिया, इसको आप देख सकते हैं। यह कई कलर का होता है, हल्का गुलाबी भी होता है, लाल भी होता है, और जो है काला भी होता है। मतलब कि कई कलर में आता है यह, और जो है थोड़ा छोटा दाना भी होता है, बड़ा दाना भी होता है, कई क्वालिटी में आता है। दोस्तों, सस्ता भी मिलता है, महंगा भी मिलता है, लेकिन यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को इसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। और इसको जानने से पहले, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को खजूर के बारे में बता दूँ। तो खजूर में जो है मिठास बहुत ज़्यादा होता है। जो इसमें मिठास होता है, नेचुरल शुगर होता है। यह जो है साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में नहीं करता है, हमारे वेट को गेन नहीं करने देता है, बढ़ने नहीं देता है। इसका जो मिठास होता है, हमारे शरीर को मोटा भद्दा नहीं होने देता है। 85% नेचुरल शुगर पाया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए इसे धातु वर्धक कहा जाता है। हमारी बॉडी के लिए जो है धातु जितने हमारे शरीर में होते हैं, इसको यह पूरा करता है और हमें ताकत देता है। इसलिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि जिस महिला के अंदर एनीमिया की कमी है, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोई गर्भवती महिला हो, उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि महिला जो गर्भवती होती है उसके लिए कैल्शियम और आयरन जरूरी होता है। अगर ये खजूर का प्रयोग करती है, उसके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होने देता है खजूर, और शरीर में ताकत भी रहती है और कमजोरी नहीं आती है, चक्कर नहीं आने देता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो गठिया के मरीज हैं, हड्डियों संबंधी अगर समस्या है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है खजूर, क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो शरीर से कमज़ोर हो, बिल्कुल शारीरिक कमजोरी हो, मेंटली कमजोरी हो, सेक्सुअली कमजोरी हो, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी प्रकार की कमजोरी शरीर में है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और हमारे ब्रेन में जो है ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है, जिससे याददाश्त जो है मजबूत रहती है। जो लोग कमज़ोर दिमाग जिसका रहता है, भूलने की बीमारी रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। याददाश्त जो है बनाए रखता है, कोई चीज़ भूलने नहीं देता है। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप खजूर खाइए, आपका जो है सेहत सही रहेगा और दिमाग भी सही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि जो हमारा चेहरा होता है या स्किन होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो झुर्रीदार जो चर्म हो जाता है, चमड़ी हो जाती है, उसको हटा करके नई चमड़ी का निर्माण करता है, और हमेशा जो है स्किन पर लाइट रहता है, चमकता हुआ चेहरा रहता है। अगर हम खजूर का प्रयोग करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह अगर आपके शरीर में एलर्जी है या गले में एलर्जी है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। हृदय को मजबूत करता है, हृदय के धमनियों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाए रखता है, जो कि बीपी को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि बीपी को कंट्रोल करता है। अगर इसको आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता है, भले इसमें मिठास है लेकिन शुगर को बढ़ाता नहीं है। और दोस्तों, खजूर जो है
कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। आप एथलेटिक्स हैं, खेलकूद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो दो खजूर सुबह में खा करके आप एक्सरसाइज करें, आपके शरीर में जो है एनर्जी बनाए रखता है और जो है कमजोरी नहीं आने देता है, चक्कर नहीं आने देता है, थकान नहीं आने देता है। अगर आप कोई काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो खजूर का प्रयोग करते हैं तो यह कमजोरी नहीं आने देता है और अच्छे से आप मेहनत कर लेते हैं। अगर आपको जो है डाइजेशन की समस्या है तो आप जो है रात में दो खजूर खाकर सोया करिए गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों पेट साफ रहता है क्योंकि फाइबर की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है, जिससे जो है हमारा पोषक जो भोजन होता है वो सही से पचता है, पेट भी साफ रहता है, गैस भी नहीं बनने देता है और शरीर में ताकत भी देता है। और एक चीज़ आपको खास बता दें दोस्तों कि इसमें मेलाटोनिन नाम का जो है एक प्रकार का जो है हार्मोन्स पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर से जो है सेक्रेट करता है, जिससे कि अच्छी नींद आती है। तो अगर आप खजूर का प्रयोग करते हैं तो आपको अगर नींद की समस्या है तो धीरे धीरे अच्छी नींद भी आने लगेगी और नींद की समस्या जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर आप खजूर का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में जो है किसी प्रकार का थकान भी नहीं होता है और सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसकी वजह से अच्छी नींद भी आती है। और मैंने आप लोग को बता दिया पहले कि एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर किसी प्रकार की एलर्जी शरीर में है, चाहे चर्म में, चाहे गले में, कहीं भी है एलर्जी, अस्थमा, खांसी, दमा में, यह बहुत अच्छा काम करता है, या स्किन डिजीज है आपको तो अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दिया कि इसमें कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए जो है हड्डी संबंधी किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देता है और हमारे जोड़ों के दर्द जो होता है उसमें आराम देता है खजूर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया अपने इस वीडियो में खजूर हमारे लिए कितना फायदेमंद है। यह जो तत्व जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ये सारे तत्व लगभग इसमें पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स और जो सिलेनियम, मैग्नीशियम, ये हमारे शरीर के लिए ताकत देता है और हमारे शरीर में जो है जोश लाता है। और एक प्रॉपर्टी ये भी पाई जाती है इसमें कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं आप तो जल्दी बूढ़े नहीं होंगे और हमेशा जवां दिखेंगे और आपके शरीर में जो स्टेमिना रहेगी, जोश रहेगी, आप चाहे कहीं भी खेले कूदे या कहीं भी काम करें आपके शरीर में कमजोरी नहीं आने देती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर के साथ ये अच्छा काम करता है, अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में वीकनेस नहीं आने देगा, ना ही कमजोरी आने देगा, इसलिए आप खजूर का प्रयोग करिए, आप स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो में बताया ये एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है, जिसका वीडियो में मैंने ये फोटो लगा दिया, आप देख सकते हैं। और महंगे भी आते हैं इसके फ्रूट्स और सस्ते भी आते हैं और हर मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा लगभग, ये आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसका प्रयोग करें, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर शरीर में कमजोरी है तो इसका प्रयोग करें। अगर आपके घर में कोई बच्चा हो, माँ बाप हो या बच्चे हो, खेलने कूदने वाले, पढ़ने वाले हैं, तो उनको प्रयोग कराइए। ये आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ये दिमाग को अस्थिर करता है, दिमाग याददाश्त जो है बढ़ाता है और जो है शरीर में कमजोरी नहीं आने देता है। अगर आपके बच्चे खेलने कूदने वाले हैं तो इसका दो खजूर प्रयोग कराइए। अगर आप बड़े हैं तो 3 से 4 भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में खाइए खाली पेट, आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ये खजूर। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।